करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ससेड़ी की सरपंच श्रीमती रवीना बेरवा, जिनके प्रतिनिधि शिवदयाल वे ग्रामीणों ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि पंचायत में पैदल वे सड़क निर्माण की मुख्य समस्या है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग रहेगी कि इन समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाए। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ समाज सेवी शिवदयाल वे ग्रामीणों के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति करौली की ग्राम पंचायत ससेड़ी के अंदर। यहाँ जो हम आए, यहाँ का हालात भी हालात नाजुक हैं। सड़कों की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क मार्ग है जो PWD रूंडापुरा के अंदर जो आती है, वहाँ के हालात भी और भी नाजुक हैं। तो यहाँ जो हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि है शिवदयाल जी, उनसे करते हैं होते हैं रूबरू की पंचायत के क्या एजेंडे हैं और यहाँ दरातली समस्या किस प्रकार की है, तो करते हैं विशेष बात। सर नमस्कार। नमस्कार। तो शिवदयाल जी, आप यहाँ पे सरपंच है या आपके मैडम? नहीं, मैडम सरपंच में, सरपंच प्रतिनिधि जी। शिवदयाल जी, क्या है एजेंडे, क्या है समस्या यहाँ की दरातली समस्या? हम आए हैं करौली से, रेगुलर आ रहे हैं यहाँ। अगर आपके हालात देखिए तो काफ़ी नाजुक दिखाई दिए। यहाँ की हालत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी, आप काफ़ी सुधार पर लाए हम जी। जी, अब यहाँ की PWD सेक्शन होगी, सड़क वो भी बन जाएगी जी। जी, और स्कूल का जो पहले स्कूल के बच्चे सचिन ग्राम पंचायत जाते थे, अब यहाँ के स्कूल तुरंत अगर दस हिता जी जी, ऐसे स्कूल में भी तुरंत है। अब कमरा की कमी है खाली, सरकार के करेंगे कि कमरा बने हैं 2-3 हज़ार यहाँ पर जी। जी, और नरेगा में मतलब काफ़ी काम सेक्शन करवाएं, हवाल जरूर काय सेक्रेटरी ने थोड़े हमारे ऐसे आए जो काम नहीं कम करा रहे हैं जी। जी, सचिव की वजह से ग्राम पंचायत में विकास कार्य अवरुद्ध है क्यों? हाँ, सचिव की वजह से ग्राम पंचायत ढीली चल रही है, हवाल जीरो चल रही है ग्राम पंचायत नरेगा में जी। जी, चलो बात करते हैं अपने, जैसे अपने ये आपका मुख्य गांव कौन सा है यहाँ? मुख्य गांव मेरा डोडापुरा। डोडापुरा से जो मुख्य सड़क मार्ग, जैसे मुख्य अपने मंडाइल से जैसे अवतरण मारते हैं, यहाँ जो सड़कों के हालात देखिए बहुत नाजुक हालात है। क्या कभी कुछ अधिकारियों ने या पुराने जो सरकार है इतनी आती गई थे, भाजपा हो या कांग्रेस, लेकिन हालात वही है, लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो। समस्या काफ़ी बहुत परेशानी होती है डूबा पड़ा के अंदर, पर शाम कभी ध्यान नहीं देता है कभी भी। अब हम सरपंच बने जिसके बाद में थोड़ा बहुत ध्यान कर देंगे, मेरे साहब ने भी लगाया है थोड़ा बहुत, तो बातें ये काफ़ी रास्ता बन सकता है। तो बारिश के टाइम में क्या हालात होते हैं यहाँ पर? बारिश टाइम पर तो बहुत परेशानी आती है हमारे लिए जी। जी, ये पुलिया बनी हुई है, ये पुलिया भी ऐसी बनाई थी जो पुलिया ख़राब बनाया गया, उन पुलिया हमारी थोड़ी ऊँची चीज जी जी, टूट गई पुलिया वो। अब जरूर इसके बाद आप PWD का सेक्शन है रहता है तो रोड अब कर देंगे उनको काम। कभी आश्वासन नहीं मिला या स्वीकृति होगी कि नहीं? सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योरिटी जी जी। तो अब आपकी एक आशा जगी है कि हाँ जल्दी? हाँ, आशा जगी। हमारे एक्शन साहब से मिले थे हम, उन्होंने कहा था काफ़ी जो स्वीकृति है हम होली के तक बना देंगे। बात करते हैं जैसे शिक्षा की, तो वर्तमान में जैसे शिक्षा, जैसे बालिकाएं हैं कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? अब पहले तो सचिन जाते थे पढ़ने, स्कूल खोल होने के बाद में बच्चे यहीं पढ़ते हैं गाँव में दस तक, और सीनियर वाले करौली पढ़ते हैं, सचिन जाते हैं जी जी। तो बालिका शिक्षा का कहीं कहीं आज भी अपन देख रहे हैं तो प्रतिशत काफ़ी कम पाया जाता है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे गर्ल इन पब्लिक समझाते हैं, तो पहले उनको लड़की कम पढ़ा पर ध्यान देते हैं पब्लिक। अब जरूर काफ़ी सुधार पाए गए, अब पब्लिक बहुत सुधार पाने से अब लड़की पढ़ाने लग गई, तो उससे काफ़ी सुधार जी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जैसे हॉस्पिटल की किस प्रकार की सुविधा, क्योंकि COVID-19 महामारी चली उसके अंदर जो चिकित्सा सुविधा है उसकी अपने आवश्यकता पड़ी, तो वर्तमान में यहाँ चिकित्सा है वो सुविधा किस प्रकार की है, डिलीवरी वगैरह आदि की कहाँ जाना पड़ता है? चिकित्सा की सुविधा कम है यहाँ दूर जी, सबसे कमी यही है चिकित्सा की। चिकित्सा की हमने डिलीवरी ले जाते हैं जी, तो हम हॉस्पिटल ही पहुँचते हैं डायरेक्ट जी जी। यहाँ पर गांव में कोई सुविधा नहीं है जी जी। उपस्वास्थ्य केंद्र है पर उपस्वास्थ्य केंद्र भी फिर भी मैडम नहीं बैठती उपस्वास्थ्य केंद्र में जी जी। पहले बनाया था उन्होंने, अब उपस्वास्थ्य केंद्र की सेक्शन नहीं है, अब उनको पूरा करवा के जब बैठाना चालू करें जी जी। छोटा है सर केंद्र जी जी, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना है। तो वर्तमान में जैसे हम बात करते हैं गर्मियों के समय में पेयजल एक विकट मुद्दा रहता है, तो यहाँ पे पेयजल वगैरह की आपूर्ति किस प्रकार से करते हैं? पेयजल की जो जल जीवन मिशन योजना चल रही है वो सेक्शन से हुई थी, ठेकेदार ऐसा नकारा निकला जो उसने काम टंकी बना के और काम बंद पट रखा हुआ है, साल भर से काम चल रहा है, काम पूरा नहीं कर रहा है, खाली बोर लगा दे टंकी बना दी और फिर बंद, पाइपलाइन जो अंदर गर्मी थी उसको भारी पटक के चला गया, मतलब फॉर्मेलिटी हुई है पेयजल के नाम, फॉर्मेलिटी करके चला गया, सरकार चालू नहीं की हुई जी। सरकार तो कहती है कि प्रत्येक घर अब नल कनेक्शन लगवाए, नहीं कोई नल नहीं है, वैसे
अभी जब वो बाहर प्लेन पटक के ठेकेदार ने करा जो छोड़ गया काम को, काम ही बंद पड़ा है उसका। साथ में हमारे कुछ साथी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी होते हैं। सर नमस्कार, पूरा नाम क्या आपका? राम के सुनना। राम जी सर, राम के सुनना जी। राम के जी, क्या है समस्या आपकी? जिसकी बात सर, ये पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है कल की, तो ये मतलब ठेकेदार ने वो सब हम कर रखी है, पाइप लाइन को बाहर पटक गया तो ये साधनों को पहले से इधर उधर पाइप वगैरह भी जाने लगा। खाली मतलब खाली अगर बात करते हैं तो सरकार तो वादे करती है प्रत्येक घर नल कनेक्शन पहुँचाएगी, लेकिन इस पंचायत के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ खाली ठेकेदारों पर लिपा पोती की गई। इसके अलावा और किस प्रकार की समस्या सर? ये रास्ता की मेन, आपकी उम्र कितनी होगी? सर मेरी 32 साल। 32 वर्ष में इसी रास्ते से आते जाते? इसी रास्ते। हालात यही तो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी डिलीवरी वगैरह हो तो किस प्रकार से जाते हो आप? बारिश के समय, बारिश के समय में सर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, इधर से जाना पड़ता है, ये तो भी पूरा घूमते हुए घूम के जाना पड़ता है, 10-15 किलोमीटर आस पास घूम के जाना पड़ता है, तो काफ़ी एक निकट मुद्दा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की या राजनेताओं की कमी रही है। इसके अलावा सरपंच साहब, बात करते हैं महानरेगा योजना की। जैसे पहले आपने बता दिया, हालांकि कि ग्राम विकास अधिकारी है वो समय पे आता नहीं, इस वजह से भी काम रुके हैं। नहीं, नरेगा पहले काफ़ी चली थी जी, जी खूब चल रही थी, फिर ये 4-5 महीने हुए हैं ग्राम पंचायत के लगी हुई, ये क्या ध्यान नहीं देता है पंचायत जी, जी। क्या नाम उनका? उनका नाम टीकाराम मीणा जी। तो कभी उच्च अधिकारियों को CEO वगैरह को अवगत करवाया? नहीं, अवगत कराया था मन ने जी, वो पे करांगे काम कर सकते हैं, करांगे तो जन पटकता है काम। काफ़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा समझा बात करते हैं, जैसे सरकार कहती कम 15 दिन जिनके अंदर रोजगार गारंटी गांव के लोगों को दे रहे हैं, और पंचायत भी ये कहती कि 15 दिन उसके अंदर लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ तक सही है? नहीं, सरकार काफ़ी आधे तो देते हैं आधे नहीं देती, सरकार देती जब तो ध्यान देते ग्राम पर, सरकार ध्यान देते ग्राम के अंदर, अब ये ध्यान नहीं देते सरकार को, नहीं मालूम नहीं है 0 चल रही पंचायत, तो पंचायत में लेबर क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल, अब ये तो हम तो हमारे बात करा तो ग्राम के अंदर कल परसों, कल परसों में दिना निकाल देता है जी, बस जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता क्या? नहीं, कहीं के रोजगार नहीं मिल पाता, हम काफ़ी कोशिश करते हैं फिर भी रोजगार नहीं जी। अभी क्या आवश्यकता है आपके मुख्य पंचायत की, क्या मांग है? मेरी पंचायत की मांग यही है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा करावे, चाहे अपन काम सेक्शन करने में लेट हो जाते हैं, कम काम भेजते हैं फिर भी वापस आ जाते हैं, कोई कभी जमाबंदी की वजह से, कोई कथित वजह से काम वापस आ जाते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर काम से ज़्यादा कराएंगे हम जी। और आगे यही है कि ये पाइप लाइन है ये टूटी पड़ी है, तो ये पाइप लाइन काम होती है। के विरुद्ध आपने ग्राम पंचायत की तरफ से कोई ऐसा उच्च अधिकारी को अवगत नहीं करवाया कि हमारी ये नहीं पेयजल समस्या है, उसके हालात? एक्शन से बात की थी मैंने, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, काम टंकी दोनों की बोली थी उसने कि 2 टंकी बनाएंगी, 1 टंकी बनाकर बंद हो गया काम को जी। पहले बोल दी थी गांव वाले परेशान है उस चीज़ से, गांव वाले इसके कहते हैं कि टंकी दोनों की क्यों बना रहा है, गांव वाले परेशान है उससे, और ये काम अटपड़ पड़ के चला गया वो तो काम। सरकार बड़े बड़े वादे करती है जल शक्ति मिशन की, हम प्रत्येक घर नल कनेक्शन पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ है सरेआम इसकी धज्जियाँ उड़ रही है। मैंने इंटरलॉक कराई, 4-5 तो करा चुका हूँ, 8 सेक्टर में कराई हैं, 8 में करा रहा हूँ, काम चालू है इस टाइम मेरा जी जी। और अटल सेवा केंद्र पहले झज्जर छपा हुआ था, उसको सुधार पर ले आया था मैं जी जी। शौचालय भी बनवाई, मॉडल शौचालय बनवाई 4 जी जी। और आंगनबाड़ी केंद्र बनवाई शौचालय जी जी। और एक आध तलिए भले ही नहीं, नहीं, थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। हाँ, विकास। इसके अलावा सर बात करते हैं, जैसे अभी आपने नाम लिया स्वच्छ भारत मिशन, कहने को तो स्वच्छ भारत मिशन बहुत बड़ी योजना है, प्रत्येक घर शौचालय होना चाहिए, कोई बाहर खुले में सोच नहीं जाए, लेकिन गांव ग्रामीण क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं वो सरेआम सिस्टम बिगड़ा हुआ नजर आता है, उसको लेकर क्या अभी कभी आपने प्रयास की? प्रयास किए, गाँव बारे भी काम धाम देते हैं शौचालय के अंदर, सरकार दे रही है देने को, तो फिर गांव बारे बना लेते हैं शौचालय को, फिर बाद में हटा दे, में गांव बारे उजी कम करते हैं, गांव बारे ध्यान नहीं देते जी जी, मतलब सदुपयोग नहीं करते, कहीं ना कहीं अभी भी सोच है उनको विकसित करनी पड़ेगी। गांव बारे सोचती कि मैं शौचालय के अंदर, सरकार तो शौचालय को दे रही है जी जी। वर्तमान में COVID-19 महामारी की दस्तक अपने तीसरी लहर की आहट पड़ रही है, लोग हैं जो काफ़ी इससे डरे हुए भी हैं, सहमे हुए, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, कोरोना के बारे में तो गांव में तो हमारे में कोरोना भाई अलग नहीं है किसी जी, एक भी व्यक्ति कोरोना नहीं हुआ है जी, जी। कोरोना की तो कोई मालूम नहीं पड़ता है सरकार के, कोरोना है या नहीं है जी, जी। हमारे गांव में आंकड़े सरकार मिलते हैं रोज, आप टीवी में सोशल मीडिया में देखते हैं मौतें, आप क्या बोलते नहीं, अब वो आंकड़े मिल रहे थे हमारे पंचायत के अंदर तो एक भी नहीं मिला हमने, हम तो कहीं भी माफ तो करते हैं उसमें, फिर काफ़ी कम करते हैं गाँव के अंदर, तो फिर हमारे पंचायत के अंदर तो 1-2 है कुछ क्षेत्रों में जो बेड ठीक होगा।
फिर भी आप गांव के मुख्य हैं सिंहदयाल जी, गांव के लोगों को क्या कहना चाहिए? अब गांव से तो हम काफी लोग कहते हैं कि कोरोना हम झूठ नहीं मानते, को हो सकता है बीमारी, तो हम तो मास्क लगा कर रहो और दूरी बना कर रहो, जाते तो डरना चाहिए ना, कोरोना गांव में पंचायत में आ गए एक बार तो परेशान कर देगा, इसलिए हम गांव वालों को समझाते हैं कि दो गज दूरी रखाना, मास्क लगाओ और हाथों काफी बार धोओ, जाते परेशानी मिटेगा। पानी वैक्सीनेशन का काम कैसे? वैक्सीनेशन हमारे 70-80% लग चुकी है और हम तो गांव वालों को समझा के वैक्सीनेशन पूरा ध्यान देकर वैक्सीन लगवाई थी, गांव वाले खुद वैक्सीन लगाने की, अब भी अगर वे डोज आएगी तो गांव वाले तैयार बैठे हैं कि डोज लगवाएं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात संसदीय के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि सिंहदयाल जी, जिनका कहना है कि कोरोना की आहट हालांकि हमें सुनाई पड़ती है लेकिन गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम गांव के लोगों से कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और विशेष तौर से कोरोना से सतर्कता बरतें। धन्यवाद सर, आपने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।